बात उस युग की है जब यूनान की बागडोर एक रानी के हाथों में थी। वहां का सेनापति एक बहुत ही बहादुर सामंत था। वो बहुत ही वीर, नेकदिल, साहसी और देश प्रेमी था। कोई भी शासक उसके भरोसे पर देश की सुरक्षा छोड़कर निश्चिंत हो सकता था। इसके साथ साथ वह शाही प्रेमी भी था। रानी उससे प्यार करती थी और वह रानी और अपने देश दोनों के प्रति ही पूर्ण समर्पित और वफादार था। उसके हाथों की कोमल उंगलियां जब रानी के सुनहरे बालों को सहलाती तो उस स्पर्श के जादू से उसका पूरा शरीर तरंगित हो उठता। मगर यही उंगलियां जब तलवार की मूठ पर कस जाती तो शत्रु के कलेजे तक हिल जाते। उसका दिल रानी के प्यार में सराबोर था, प्रेम रस से लबरेज। मगर जब बात देश की सुरक्षा की होती तो यही प्रेम भरा दिल वज्र का हो जाता था। देश उसकी दिलेरी, वीरता और देशभक्ति का लोहा मानता था। प्रजा को उस पर पूर्ण विश्वास था। उसका हर जगह पर सम्मान होता था। वह यूनान के सभी नव यौवनाओं का आदर्श पुरुष था। किसी खास मौके पर जब वह अपने अरबी घोड़े पर सवार होकर यूनान की गलियों से गुजरता तो नव युवतियां उसकी एक झलक पाने के लिए बेचैन हो जाती थी। और जब सेनापति देश की सीमाओं पर गश्त के लिए निकलता तो पड़ोसी देशों की सेनाओं में सेनापति के भय से दहशत फैल जाती थी। ऐसे अद्भुत और बेमिसाल व्यक्तित्व का स्वामी था ये सेनापति। इसी नगर में अमिलिया नाम की एक लोक नर्तकी यानी नगर वधु रहती थी। राजधानी के बड़े बड़े अमीर, छोटे बड़े सामंत, धनी रईस, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी अपने मनोरंजन और मौज के लिए इधर आते थे। अमलिया एक बहुत ही सुंदर औरत थी। उसके पास नर्तकियों का पूरा समूह था। उसकी बड़ी तमन्ना थी कि एक बार सेनापति भी उनकी नृत्यशाला में आकर उनका नृत्य देखें। मगर सेनापति ने कभी उस तरफ मुंह करके भी नहीं देखा। अमलिया ने अपनी तरफ से पहल करते हुए अपने एक सेवक को सेनापति के पास भेजा और रंगशाला में आने का निमंत्रण दिया। मगर सेनापति ने वहां जाना उचित नहीं समझा। अमिलिया ने दूसरी बार फिर से अपने एक सेवक को सेनापति के पास अनुरोध लेकर भेजा, मगर सेनापति फिर टाल गए। तीसरी बार फिर से एक संदेशवाहक भेजा गया। अब की बार सेनापति ने कहा, मैं तुम्हें पहले भी कई बार समझा चुका हूं कि मैं तुम्हारी रंगशाला में नहीं आ सकता, मगर तुम्हारी नादान मालकिन ये बात समझती ही नहीं। एक लोक नर्तकी की हैसियत से मैं उसका पूरा सम्मान करता हूँ, पर मुझ पर देश की सुरक्षा का भार है। इस कारण से मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकता। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सेनापति ने बड़ी ही विनम्रता से ये कहा। सेनापति का उत्तर सुनकर अमिलिया के आत्मसम्मान को बहुत ही आघात पहुंचा। उसे लगा कि सेनापति ने कटा सा जवाब देकर उसका अपमान किया है। सेनापति कभी कभी अपने घोड़ों को नदी में नहलाने के लिए ले जाया करता था। एक दिन सेनापति घोड़े लेकर आया तो देखा कि अमिलिया और उसकी सहेलियां तंबू लगाकर वहां पर पहले से ही मौजूद थीं। दोनों का आमना सामना हुआ। अमिलिया ने मोहक अंदाज में कहा, देश के रक्षक और शाही प्रेमी को इस अदना सी नर्तकी का सलाम। सलाम का उत्तर देते हुए सेनापति ने पूछा, कैसी हो अमिलिया? ठीक हूँ जनाब, लगता है आप घोड़े को नहलाने के लिए आए हैं, मगर ये स्थान तो हमने पहले से ही घेर लिया है। आपसे एक सवाल का जवाब चाहती हूँ, फिर उसके बाद यहाँ से चली जाऊंगी। सेनापति बोले, बोलो क्या पूछना चाहती हो? तुम्हें अपना सवाल पूछने की पूरी आज़ादी है। बस मुझे इतना बता दीजिए कि राजमहल में आप अपनी इच्छा से कब गए थे? सत्य बताइएगा सेनापति जी। अपनी इच्छा से तो कभी नहीं गया अमिलिया, मेरी इच्छा का कोई मतलब नहीं है। जब महारानी बुलाती है मैं तभी जाता हूँ। तो इसका मतलब है आपकी कोई तमन्ना या चाहत नहीं है? यदि कोई चांदनी रात, बसंती हवा, मधुर संगीत किसी का साथ पाने को बेचैन कर दे तब क्या होता है? कैसा लगता है? सेनापति की चेतना पर मानो हथौड़े पड़ने लगे। मैं कौन हूँ? हुक्म का गुलाम? महारानी के आदेशों पर नाचने वाला पुतला? सीमाओं की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी ताकत का प्रयोग देश की रक्षा के लिए और मेरी इच्छा, मेरे अरमान? अमिलिया के एक सवाल ने सेनापति के सोचने की दिशा बदल डाली। उसके चेहरे पर चिंता और उलझन के भाव साफ दिखाई दे रहे थे।
इन निजी सुखों को वह भूल गया था। अमेलिया के सवाल ने वो सब उसे फिर से याद दिला दिए। एक रात सेनापति बिना बताए अमेलिया की नृत्यशाला की महफिल में हाजिर हो गया। अमेलिया के संकेत पर सेविकाओं ने उस पर फूलों की वर्षा की, सुगंधित इत्र छिड़का गया, मनमोहक सुगंध और शरबत पेश किए गए। फिर एक आकर्षक नृत्य का आयोजन किया गया। सेनापति एक अलग दुनिया में था, अब वह अमेलिया पर मोहित हो चुका था। सेनापति ने कहा, मैं तुम्हें पाना चाहता हूं अमेलिया, बोलो क्या कहती हो। अमेलिया ने कहा, यदि आप मुझे पाना चाहते हैं तो आपको 3 उपहार मुझे देने होंगे। तुम कैसा उपहार चाहती हो अमेलिया, मैं तुम्हें मनचाहा उपहार लाकर दे सकता हूँ। बहके हुए सेनापति ने कहा, 3 चीजें, 1 हार, 1 कंघी और 1 आईना। ठीक है, अगली बार ये 3 उपहार ही लेकर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अब मुझे जाना होगा अमेलिया। ठीक है, मगर जाने से पहले आपके सामने कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, ताकि आप हमें भली भांति से समझ सकें और किसी तरह की कोई गलतफहमी का शिकार ना हो। इसीलिए आप सावधान होकर मेरी बातें सुनिए। सेनापति सावधान हो गया। देखिए, नृत्यशाला हमारा मुख्य कार्य है और हम नाच गाना करके लोगों का मनोरंजन करते हैं। मेरे पास बड़े से बड़े धुरंधर एक से बढ़कर एक उपहार लेकर पेश हो चुके हैं, मगर मैंने धन्यवाद सहित सारे उपहार अस्वीकार कर दिए। आप पहले व्यक्ति हैं जिससे उपहार लेने का मेरा दिल कह रहा है। आलमिया ने अपनी बात पूरी की। सेनापति उसके मुंह से अपने बारे में ऐसे शब्द सुनकर भाव विभोर हो गया और बोला, अगली बार आपके लिए ये 3 उपहार लेकर ही आऊंगा। आप असाधारण व्यक्ति हैं सेनापति, अतः उपहार भी असाधारण होने चाहिए। अमेलिया मोहक अंदाज में बोली, तो बताइए किस तरह के असाधारण उपहार आपको चाहिए, मैं वैसे ही ला कर दूंगा। वादा करते हो सेनापति? बिल्कुल करता हूं, आप कहिए तो। सेनापति अमेलिया पर पूरी तरह से मोहित हो चुका था। मुझे वो हार चाहिए जो कुल देवी की प्रतिमा के गले में है, मुझे वो कंघी चाहिए जो राजपुरोहित की पत्नी अपने जुड़े में हमेशा लगा कर रखती है, और मुझे वो आईना चाहिए जो राज नर्तकी अपने श्रृंगार में प्रयोग करती है। अमेलिया ने सदे हुए शब्दों में ये बात कही। सेनापति अंधा हो गया था। एक बार तो वह इन अनोखी मांगों को सुनकर चकरा गया, मगर फिर संकल्प किया कि ये 3 उपहार अति शीघ्र वो अमेलिया को भेंट करेगा। कुल देवी की प्रतिमा के गले में जो हार था वो सरकारी संपत्ति था, उसे ना मांग कर लिया जा सकता था और ना ही खरीदा जा सकता था, उसे केवल चुराया जा सकता था, इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। परंतु सेनापति के दिमाग पर तो अमेलिया का भूत सवार था। उसने देवी की प्रतिमा के गले का हार चुराया और अपने पास छिपा कर रख लिया। सुबह होते ही कुल देवी की प्रतिमा के गले से हार चोरी होने का समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। शहर के कोतवाल को चोर पकड़ने की जिम्मेवारी सौंपी गई। अब सेनापति ने राजपुरोहित के घर के आसपास घूमना शुरू कर दिया। एक रात उसने देखा कि राजपुरोहित की पत्नी चांदनी रात में बगीचे में घूम रही थी। वह अचानक उसके सामने आ गया। सेनापति को अपने सामने देखकर वो हैरान रह गई। अरे आप! उसके मुंह से अनायास ही ये शब्द फूट पड़े। जी हाँ, मैं सेनापति हूँ ना, देश की सीमाओं पर गश्त करते करते कभी कभी अंदर भी झांक लेता हूँ। संयोगवश आपसे भेंट होनी थी, शायद इसीलिए यहाँ पर आ निकला। आइए थोड़ी देर बैठते हैं। राजपुरोहित की पत्नी सेनापति के साथ वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक सेनापति ने अपने मजबूत हाथों से उसका गला दबा दिया और वो पल भर में शांत हो गई। सेनापति ने उसके जुड़े से कंघी निकाली और बड़ी ही नजाकत के साथ उसका शव वहीं बागीचे में लेटा दिया। अब सेनापति राज नर्तकी के महल में गया। वहां पर वह सबका विश्वास पात्र था। कभी भी खाने में नशीला पदार्थ मिलाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने राज नर्तकी के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। नशे में डूबी नर्तकी के श्रृंगार कक्ष से वो आईना चोरी हो गया। लगातार 3 आपराधिक वारदातों ने महारानी को विचलित कर दिया। उसने सेनापति के सामने अपनी चिंता प्रकट की।
सेनापति ने कहा, मेरा काम बाहरी शत्रुओं से देश की रक्षा करना है, मगर आप चिंता न करें, आज से मैं आंतरिक सुरक्षा का भी दायित्व लेता हूँ। भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सचेत रहूँगा, आप इत्मीनान रखिए। अब सेनापति ने तीनों उपहार पा लिए। वो इन उपहारों को आमलिया के पास ले जाने के लिए बहुत ही आतुर था। आमलिया का गुलाबी बदन रह रहकर सेनापति के मन में प्रतिबिंबित हो रहा था। अचानक वह कल्पना करने लगा कि कुलदेवी का हार पहनकर आमलिया कैसी लगेगी। कल्पना करते करते उसके मस्तिष्क में जोरदार झटका लगा। ऐसा लगा जैसे भयंकर बिजली का करंट उसे सिर से पैर तक बुरी तरह झुलसा गया हो। चेतना पर मानो हथौड़े पड़ने लगे। उसकी छठी इंद्री कुछ सवालों के संकेत देने लगी थी। प्रश्नों का चक्रव्यूह उसे घेर चुका था। पहला प्रश्न, आमलिया नगर वधु है, वह इतनी भोली तो नहीं कि देश के नियम कायदों को ना जानती हो। उसे पहले से ही पता था कि कुल देवी की प्रतिमा का हार केवल चोरी से ही हासिल किया जा सकता है। राष्ट्रीय महत्व की कोई भी चीज चोरी हो जाती है तो उसकी चर्चा भी होगी और चोर की तलाश भी जोर शोर से की जाएगी। ऐसे में कोई उस हार को गले में धारण करके स्वयं अपनी मौत को क्यों बुलाएगा। जब आमलिया इस हार को पहन ही नहीं सकती तो उसने ऐसा उपहार मांगा ही क्यों। अगला सवाल, राजपुरोहित की पत्नी नगर की एक प्रतिष्ठित महिला थी। उसकी हीरों से जड़ी हुई सोने की कंघी के बारे में सब जानते थे। उसके जूड़े से कंघी निकालना, या तो मैं उसकी हत्या करूंगा या फिर पकड़ा जाऊंगा। आमलिया ने सब पहले से ही सोच लिया था, मैं हत्यारा बन गया। क्या कोई किसी लाश से उतरा हुआ कपड़ा या जेवर पहन सकता है? कदापि नहीं। फिर उसने ऐसा उपहार क्यों मांगा मुझसे हत्या जैसा अपराध कराने के लिए? ओह, कहां चल दिया था मैं। तीसरा प्रश्न, राजनर्तकी का आईना। दोनों हम पेशा थी, कभी कभी किसी विशेष अवसर पर दोनों का सामूहिक नृत्य भी होता था। एक ही पेशे से जुड़ी होने के कारण अक्सर मिलना जुलना भी होता रहता था। ऐसे में इस आईने को आमलिया अपने प्रयोग में कैसे ला सकती थी, जबकि उसके पकड़े जाने का डर था। ओह, तो यह योजना थी कि या तो मैं आईना चुराऊंगा या चुराते हुए पकड़ा जाऊंगा। दोनों ही स्थितियों में मेरी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। आखिर क्या चाहती थी आमलिया? सेनापति का दिमाग सनसना उठा। कुछ समय के लिए वह अपना मूल चरित्र अवश्य खो बैठा था, मगर था तो वो योद्धा ही, हर पल सचेत, सजग और सावधान, देश का सच्चा प्रहरी। अब वह अपने मूल स्वरूप को पा चुका था। वह एक निर्णय ले चुका था। उसके चेहरे पर सुकून था। अगली शाम को वो तीनों चीजें लेकर आमलिया की महफिल में उपस्थित हो गया। उस समय आमलिया और सेनापति के अलावा वहां पर कोई नहीं था। देखो आमलिया, यह रेशमी थैली, अपने वायदे के अनुसार मैं तीनों उपहार लेकर उपस्थित हुआ हूँ, मगर ये उपहार स्वीकार करने से पहले तुम्हें मेरी एक बात स्वीकार करनी होगी। वचन देती हो जैसा मैंने दिया था? हाँ, मैंने वचन दिया। बोलो क्या करना है मुझे? सेनापति ने कहा, तुम्हें अपने गले में कुल देवी का हार धारण करना होगा, अपने जुड़े में राजपुरोहित की पत्नी की कंघी लगानी होगी, हाथ में राजनर्तकी का आईना पकड़कर भरी महफिल में नृत्य करना होगा। सेनापति ने बड़े ही संयत शब्दों में अपनी बात पूरी की। मगर तुम तो मुझे पाना चाहते थे। आमलिया के चेहरे पर बेबसी छा गई। तुमको तो मैं पा चुका हूँ, यकीनन पूरी तरह से पा चुका हूँ। अब आमलिया को अपना वचन पूरा करना था। तीनों उपहारों से सजी हुई आमलिया भरी महफिल में मंच पर आ गई। उसकी महफिल में जमा हुए लोग उसे देखने लगे तो किसी ने कहा, वो देखो, कुल देवी के गले का हार इस नगरवधु के गले में। दूसरी ओर से आवाज आई, अरे वो देखो, राजपुरोहित की पत्नी के जैसी कंघी इस नर्तकी के जूड़े में। चारों तरफ शोर मच गया और यह बात उड़ते उड़ते राजमहल तक पहुंच गई। अगले ही दिन आमलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। वह जानती थी कि यदि उसने सेनापति का नाम लिया तो कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वह खामोश रही। न्यायाधीश के सामने उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आमलिया को कारावास में डाल दिया गया। एक बूढ़ा सेवादार उसे समय पर खाने पीने की सामग्री दे जाता था। उसका खाना बहुत ही उत्तम और स्वादिष्ट होता था। कारावास में उसके सुख सुविधा का पूरा ही ख्याल रखा जाता था।
बूढ़ा सेवादार उसके पास घंटों बैठकर बातें करता रहता। एक दिन उसने अमेलिया से पूछा, तुमने ये चोरियां क्यों की बेटी? अमेलिया बोली, बाबा चोरी मैंने नहीं की, परंतु इन चोरियों का कारण मैं ही हूँ। ये क्या कहती हो बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तुम कारावास क्यों झेल रही हो? तुमने अपराध स्वीकार क्यों किया? वह बोली, एक राज सीने में दफन है, यदि राज को राज रखने का भरोसा देते हो तो बता सकती हूँ। बुजुर्ग सेवक ने भरोसा देने का वायदा किया। अमेलिया ने बेहद शांति से सारा वृतांत खोलकर उसे बता दिया। अंत में वह बोली, बाबा औरत चाहे कितनी भी निर्लज क्यों ना हो, वह अपनी ओर से प्रणय निवेदन नहीं करती, मगर मैंने 3 बार ऐसा किया। सेनापति ने हर बार मेरा मान मर्दन किया, मेरे अंदर का अभिमान जाग उठा और मैंने सेनापति को उसके ऊंचे ओहदे और प्रतिष्ठा से गिराना चाहा। काफी हद तक मैं सफल भी हुई, मगर बेटी वो तो एक सच्चा शूरवीर और राष्ट्रभक्त है। देश की सुरक्षा और प्रतिष्ठा के सामने एक आदमी के मान सम्मान का कोई महत्व नहीं है, ये तुम क्यों भूल गई? कुछ मत पूछिए बाबा, बदले की आग और अपमान ने मेरा विवेक ही जला डाला था। न्यायाधीश ने अमेलिया को विष देकर खत्म करने का मृत्यु दंड दिया। जल्लाद जहर का प्याला लेकर आया तो बूढ़े ने कहा, लाओ यह प्याला मुझे दे दो और चले जाओ, मैं ये प्याला स्वयं अमेलिया को देना चाहता हूँ। बूढ़ा प्याला लेकर अमेलिया के पास आया और बोला, बेटी इस राजभवन में कोई तुम्हारा शुभचिंतक है, उसी के आदेश पर तुम्हें सारी सुख सुविधाएं और खाने पीने की पूरी सामग्री दी जाती है। यहाँ तक कि इस विष में भी बहुत सारा शहद घोला गया है ताकि इसके कड़वेपन और तीखेपन का एहसास ना हो सके। वह शुभचिंतक कौन है जानना चाहोगी? अब क्या जानना है बाबा, फिर भी बताना चाहते हैं तो बता दीजिए। वो शुभचिंतक है सेनापति। अमेलिया की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। अब समय हो गया है, तुम प्याला धीरे धीरे पी जाओ, बड़ी ही शांत और मौन मृत्यु देने वाला विष है ये, जो खास तुम्हारे लिए तैयार करवाया गया है। पीकर कमरे में घूमती रहना, पैर सुन्न होने लगे तो लेट जाना, नींद आएगी और तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। पीड़ा रहित बहुत ही सरल मौत होगी तुम्हारी। अमेलिया विष पीकर टहलने लगी, तभी स्वयं सेनापति कक्ष में प्रवेश करते हैं। मैं स्वयं अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ अमेलिया, पहली बार अपनी इच्छा से। सेनापति ने अमेलिया को अपनी बाहों में भर लिया। अमेलिया का चेहरा एक दर्पण के समान चमक उठा। वह अचानक बोली, पांव सुन्न हो रहे हैं बाबा, इसे लेटा दो। बड़ी कोमलता से सेनापति ने अमेलिया को लिटा दिया। वह शांत लेट गई और फिर सो गई, कभी ना टूटने वाली नींद सदा के लिए। उसको दफनाते समय सेनापति साथ था। अंतिम रस्म पूरी करके सेविका से अनुरोध किया कि अमेलिया के बालों की एक लट काटकर मुझे दे दी जाए। आदेश का पालन हुआ। समय अपनी गति से चल रहा था। सेनापति उम्र पाकर अपने पद से निवृत्त हो चुका था। अलमारी में उसने अपनी वसीयत लिखकर रख दी थी। एक दिन वह भी संसार से विदा हो गया। शासकीय नियमों के अनुसार दफनाने से पहले उसकी वसीयत खोली गई। लिफाफे में एक खत था और लाल सुनहरी बालों की एक खूबसूरत लट थी। खत में लिखा हुआ था, मेरी मृत्यु होने पर जब मुझे दफनाया जाए तो यह लट मेरी बगल में रख दी जाए, सेनापति। आदेश का पालन हुआ और सेनापति की अंतिम इच्छा पूरी की गई।